मुल्तान के बाद खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को पीने के साफ पानी फराहम करने के दावे हवा की तहलील होकर रह गए। इसी हवाले से दिखा रहे हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे राना मजीद अपनी इस रिपोर्ट में। जी, हजारों अफराद की आबादी पर मुश्तमिल फरूका तहसील सिवाल का दूसरा बड़ा कस्बा है, लेकिन यहाँ के मकीन साफ पानी पीने से मुसलसल महरूम चले आ रहे हैं। शहर में जगह जगह उबलते गटर और गंदे पानी के जोड़ों ने जेर ज़मीन पानी को जहर आलूदा बना दिया है और लोग बदबूदा तुगन ज़्यादा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे शहरी में हेपेटाइटिस और पेट की और बीमारियां फैल रही हैं। महकमा सेहत की टीमों ने भी कई मरतबा इलाके का दौरा करके जेर ज़मीन पानी के टेस्ट किए और इसे पीने के लिए मजबूर सेहत करार देते हुए मुतलका हकाम से सिफारिश की कि इलाके में फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर शहरियों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए। ताहम इस पर अमल दरामद ना हो सका और लोग अब भी ये जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि फरूका के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएँ और शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएँ। साथ ही कैमरामैन के साथ राना मजीद, बिग न्यूज़ सहीवाल।